महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार बनने के बाद से ही मंत्रिमंडल और मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर चर्चा तेज है, जिस पर तीनों दल में मंथन चल रहा है। इन सब के बीच खबर आ रही है कि मंत्रिमंडल को लेकर नया फॉर्मूला तय हो गया है, लेकिन जो फॉर्मूला निकल कर आ रहा है उसमें शरद पवार के दबाव वाली पॉलिटिक्स का असर दिख रहा है। महाराष्ट्र में एनसीपी चीफ शरद पवार ने एक निजी चैनल से बात करते हुए डिप्टी सीएम पद को लेकर बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एनसीपी के पास शिवसेना से 2 सीटें कम है जबकि कांग्रेस से 10 सीटें ज्यादा हैं। शिवसेना के पास मुख्यमंत्री है जबकि कांग्रेस के पास स्पीकर है, लेकिन मेरी पार्टी को क्या मिला? डिप्टी सीएम के पास कोई अधिकार नहीं होता। शरद पवार का ये बयान अपने आप में काफी अहम है, जिसे पवार की नाराजगी और उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर देखा जा रहा था, जिसके बाद अब मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर जो फॉर्मूला निकल कर सामने आया है उसमें शरद पवार के बयान का असर साफ देखा जा सकता है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक तीनों पार्टियों के बीच मंत्रिमंडल में सीटों को लेकर सहमति बन गई है। महाराष्ट्र सरकार में जहां नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सबसे ज्यादा मंत्री होंगे तो वहीं कांग्रेस पार्टी के सबसे कम। कहा जा रहा है कि सरकार में एनसीपी के 16, शिवसेना के 15 और कांग्रेस के 12 मंत्री बनाए जाएंगे। हालांकि कैबिनेट विस्तार पर अब तक कोई फैसला सामने नहीं आया है, क्योंकि अभी तक तीनों ही पार्टियों में विभागों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है, जिस कारण से कैबिनेट विस्तार लटका हुआ है। एनसीपी में भी अभी ये तय नहीं हो पाया है कि वो किसे डिप्टी सीएम बनाएगी, क्योंकि पार्टी के अंदर किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। लेकिन माना जा रहा है कि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। हालांकि उनके नाम पर कांग्रेस और शिवसेना अभी तक तैयार नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि जल्द ही इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।